मियाँ बीवी हैं, वो तीसरा बच्चा रोक रहे हैं, रोका है उन्होंने, कई सालों से रोका है। क्यों? दो बच्चियां पैदा होने के ऊपर जो सोशल प्रेशर क्रिएट हुआ है, बेटी है ही पराया धन, शादी हो जाती है जी एक कर्ज चुका दिया। हमारे यहाँ क्या है, बेटी के घर का जो है ना नमक भी नहीं खाना। अहले अरब की अखलाकी एतबार से उनके अंदर जो है कई मसाइल थे, जिनमें से एक बड़ा मशहूर है कि वैदा बुशरा अहदुहुम बिलउंसा, कि जो तफरीक करना लड़के के अंदर लड़की की पैदाइश के अंदर, ये उनके यहाँ एक बहुत बड़ा मसला। और कुरान कहता है कि वैदा बुशरा अहदुहुम बिलउंसा, जब उनको खुशखबरी दी जाती बेटी की तो वल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, उनके चेहरे कैसे हो जाते, डार्क हो जाते, उनके चेहरे कैसे हो जाते, मुरझा जाते। मुस्वद्दा सऊदुन, हजरे असवद काला है ना, वही वर्ड है, काले हो जाते, मुरझा जाते, दल हो जाते उनके चेहरे। फहुआ कवीम, और वो गुस्से से भर जाते। अब बच्ची की पैदाइश है, औलाद है ना, आप ही की औलाद है, तो अल्लाह ताला की नेमत है। दुनिया में कौम है जिसको औलाद ने अल्लाह ताला ने नहीं दी, तो अल्लाह ताला ने आपको वो नेमत दी, आप क्या कहने, फहुआ कवीम, गुस्से से भर गए। तवारा मिनल कौमी, क्या करते हैं, कौम से छुपाते हैं। मिन सोई मा बुशरा, पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता उनको कि इसको बयान करें इसको छुपाएं। औरत का स्टेटस था उनके पास, खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की आपकी मिसाल आप देखी होगी आपने, कि अल्लाह के असूल के ज़माने के अंदर खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इस तरह कई उनको बड़े मकाम हासिल थे, लेकिन वो भी डेफिनेटली बैक एंड के ऊपर एक वेल्दी फैमिली से थी, इलीट थी, रिच थी, डेफिनेटली उनका मकाम था, लेकिन उमूमी तौर पर ये जो सेग्रीगेशन थी उनके यहाँ बहुत मैटर करती है। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ें क्यों बयान की कि उनके अंदर ये मसला था, पर अल्लाह ये मिजाज क्यों अपनाता है कि देखें ला तकूनु कल लदीना, कि तुमने उनकी तरह नहीं हो जाना मेरे बंदो, उनकी तरह नहीं हो जाना। अल्लाह ताला कहते हैं गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन, हमें तो जो मुनाम अलैह हैं, जो ब्लेस हैं, जो जिनके ऊपर इनाम किया, तो उनकी तरह तो कर दे, उनका रास्ता दिखा दे और उनके रास्ते से हटा दे, किनके रास्ते से, मग़ज़ूब और ज़ालिम, जो उनके ऊपर गज़ब हुआ या फिर वो जो गुमराह हो। तो अल्लाह ये सेग्रीगेशन क्यों करता है, चाहे वो मुशरिकीन के हवाले से हो, फासिक व फाजिर के हवाले से हो, यहूद व नसारा के हवाले से हो, कि उन ट्रेड्स को हमने समझना है कि जो उनके गलत हैं उनको गलत समझें, जो उनका सही है उनको सही समझें। उनके सही को अल्लाह कुरान में एंडोर्स करता है लैसू सवा, कि वो सबके साथ बराबर नहीं है। मिन अहलिल किताबी उम्मतुन क़ाइमा यतलून आयतिल्लाह आना अलैहिम यस्जुदून, अहले किताब में कौम ऐसी है जो क्या करती है, रातों को जागती है भाई, तिलावत करती है और वो अल्लाह से डरती है। एक कौम एक ऐसी है अहले किताब के अंदर, बड़े लिमिटेड लोग हैं, लेकिन जो मैसेज हैं, जो अवाम है, अक्सरियत है, उनकी बदमाशियां जो है ना वो खुली हैं, अलल ऐलान है। तो ये हमें समझना है करने के लिए, अहले अरब के लिए भी अल्लाह ताला ने यही बयान किया और कुरान में भी अल्लाह ताला ने ये बयान किया। और उसके बाद उनकी ये चीज़ मुश्किल है इंसान की नफ्सियात के लिए, ये चीज़ बहुत मुश्किल है इसको समझना, तो जबी और उनके अंदर भी ये चीज़ शामिल थी, तो जबी अल्लाह ताला ने इसको कुरान का टॉपिक बनाया हमारे लिए और बेटी को रहमत बनाया है। तीस माता जो दो बेटियों की परवरिश करते और उसको अच्छे तरीके से उनकी तरबियत करे, परवरिश करे, फिर उनकी तालीम तरबियत, फिर उनकी शादी कर दे, जन्नत की बशारत है उस इंसान के लिए। क्यों रखी है बशारतें, जो चीज़ मुश्किल होती है ना उसके लिए बशारत दी जाती है। और आज हमारे यहाँ है मामला, अक्सर शादियों के अंदर आप देखेंगे कि वो बेटी है तो क्या करते हैं, डेफिनेटली विरासत जानी है ना उसके पास, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, विरासत जानी है तो क्या करते हैं, भाई के बेटे को दे देंगे। वो तो अल्लाह ताला ने हराम कर दिया अपनी औलाद में शादी करना ना, अगर हराम ना होता ना इन्होंने भाई बहन की शादी करा देनी थी इस कौम में, ये लेवल था इस कौम का। तो वो क्या करते हैं, चलो ठीक है बहन भाई नहीं, भाई के बेटे को दे दो, बहन के बेटे को बेटी दे दो, या फिर जो है ना वो ससुराल में से किसी को, मतलब जो पैसा है खास तौर पे वो ददियाल में रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस पार्टनर खानदान वाले होते हैं। घर का पैसा घर में रहे, ये भी एक बड़ा मसला है आज। इसी तरीके से जो जहेज का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है ना, कि वो तो कहते हैं जी बेटी है ही पराया धन, स्ट्रेट हमारे यहाँ क्या, बेटी है ही पराया धन, शादी हो जाती है जी एक कर्ज चुका दिया, जो कर्ज चुका दिया जाता है ना उसको दोबारा नहीं देखा जाता। लेकिन अल्लाह के रसूल के बारे में क्या आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शादी हो गई, कर दी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की, किसके साथ की, अली रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ। अल्लाह के रसूल रोज या अक्सर फ्रीक्वेंटली जाया करते थे। हमारे यहाँ क्या है, बेटी के घर का जो है ना नमक भी नहीं खाना, अल्लाह के रसूल जा रहे हैं रोज। क्या करने जाते थे कि भाई तेरी बेटी जिम्मेदारी नहीं है, दामाद भी जिम्मेदारी है आपकी। फजअलहु नसबं व सिहरा, कुरान की आयत है, अल्लाह ताला ने दो रिश्तेदारियां बनाई हैं, एक नसब की रिश्तेदारी है जिसको हम खून की रिश्तेदारी कहते हैं, लिनिएज जिस खून की चलती है,
सहरा ससुराली रिश्तेदारी। हमारी कौम क्या करती है, सेग्रीगेट करती है, नहीं जो मेरा खून है वो खून है, जो ससुराल है वो खुडे लाइन। नहीं 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 नहीं, अल्लाह ताला ने क्यों बयान किया दोस्त, फजअलहू नसबन व सेहरा, खूनी रिश्ता भी बनाया है ससुराली रिश्ता भी बनाया है। तो इंसान जब शादी करता है तो बेसिकली उसकी दो फैमिलीज हो जाती है, इसको उसने केटर करना है। तो अल्लाह के रसूल भी क्या करते रहे, जब उन्होंने रिश्ता दे दिया, रिश्ता बना दिया, अब बेटी जिम्मेदारी नहीं है, अब बेटी भी अपना धन और जो दामाद है वो भी अपना धन, उसको भी केटर करना है आपने। और एक दफा इनकी रिवायत में आता है कि गालिबन अनबन हो गई फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की वाली, हो जाती है मियाँ बीवी है। तो अली रजी अल्लाह अन्हा जो थे ना, जो गए तो पता चला घर में नहीं है, समझ गए अल्लाह के ऐसा कोई मामला हुआ है। तो वो गालिबन मस्जिद में थे, मस्जिद में थे और वहाँ पे ना वो मिट्टी से खेल रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखते ही गुड जेस्चर दिया, या अबात रौब, स्ट्राइकिंग वर्ड्स, पॉजिटिव ऐसा लव्स दिया, या अबात रौब, ए मिट्टी वाले। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से की हालत में उन्होंने जब अल्लाह के रसूल से नस्बत, दो नस्बतें, तीन नस्बतों के बाद जो है ना, जब वो लव्स सुने ना, उन्होंने उस मोहब्बत में अपना नाम भुला दिया। जिंदगी भर मोहब्बत ऐसी होती है, अपना नाम भुला दिया। उसके बाद कहते हैं कि मुझे अबू तुराब के नाम से पुकारा करो, मुझे अली के नाम से नहीं पुकारो। तो मोहब्बतें होती है ना, ये इतना पावरफुल रिश्ता है। हमारे वाले जब जाते हैं ना इस तरीके से, तो क्या करते हैं, बायस्ड होते हैं कि जी मेरी बेटी को कैसे बोला तूने, मेरा मामला कैसा किया, ये कैसा हो। तो अल्लाह के रसूल ने सिखाया है पूरे मामला को और बताया उन्होंने कि बेटी जो होती है ना वो अल्लाह की रहमत होती है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हमारी कौम में आ भी रही है वो अवेयरनेस। एक कौम है आ रही है, लेकिन एक कौम है, मैंने कितनों को देखा है, दो बच्चे पैदा हो गए, दो बेटियां पैदा हो गई, बड़ी भी बेटी दूसरी बेटी, तो जो मियां बीवी हैं वो तीसरा बच्चा रोक रहे हैं, रोका है उन्होंने कई सालों से रोका है। क्यों? दो बच्चियां पैदा होने के ऊपर जो सोशल प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो उनको डर है कि थर्ड भी कहीं बच्ची ना हो जाए, थर्ड भी कहीं बेटी ना हो जाए। तो हम में, हमारी कौम में और कुफारे मक्का में क्या फर्क हो गया भाई? उनका भी ये था ना, वैदा बुशरा अहदुहुम बिल उनसा वल्ला वजहुहुम मुस्वद्दा, वो भी उस खुशखबरी के ऊपर मुरझा जाते थे। अल्लाह कह रहा है खुशखबरी, और ये भी कहा, और जो सूरह सुद शूरा में जो आयत है औलाद देने वाली, यहबू लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह ने जब औलाद का तذکرہ किया ना, तो बेटी का तذکرہ पहले किया है कि वो अल्लाह है जो अता करता है, जो गिफ्ट करता है तुम्हें, क्या करता है, बेटी। तो जो क्रोनोलॉजी है ना कुरान की, बहुत मैटर करती है कि व्हाट कम्स फर्स्ट हैज दैट मच प्रायोरिटी, अल्लाह ताला ने वो रखा है। और जहां औलाद बनीन है, इंसान उसको बड़ा समझता है ना, तो अल्लाह उसको क्या कहता है, अलमाल वल बनून, माल और तुम्हारे बेटे, बनून बेटे, जीनतुल हयात दुनिया, वो क्या है, दुनियावी जिंदगी की जीनत है। बेटियां नहीं बोली अल्लाह ताला ने, बेटियों को ही कंडेम नहीं किया अल्लाह ताला ने, बेटियों को अल्लाह ताला ने हमेशा उठाया है।